फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के 7 बज रहे और हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए। तो हमारा मे डे का छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन की। सैटरडे संडे तो ऐसे ही रहता है, मंडे भी छुट्टी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब फिनलैंड के अंदर ही। तो हम लोग वो कभी 4 साल से यहाँ रहते हैं लेकिन कभी गए नहीं हैं, तो वहाँ आज जाने वाले। तो यहाँ से हम तुर्कू जाने वाले, तुर्कू से शिप में जाएंगे, तो शिप में 5 आवर्स लगने वाले। तो चलिए निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग तुर्कू के पास नांताली बोल के एक जगह है, वहाँ आ गए हैं। मतलब और 3-4 मिनट जैसे बाकी है, 5 मिनट दिखा रहा है अभी। तो वो पोर्ट पे जाने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है लगता है। अगर आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा कि हम लोग हेलसिंकी से तालिन गए थे, तालिन से रीगा ड्राइव किया था, तो ये सेम ही होने वाला है। बस इस पे डिफरेंस है कि हम लोग फिनलैंड के अंदर ही रह रहे हैं लेकिन दूसरे आइलैंड पे जाएंगे। तो चलिए पहुँचने वाले हैं, तो आप देखिए कैसे हम लोग अंदर जाते हैं। बहुत लाइन थी और यहाँ तो आइलैंड में कौन जाता है उतना, हम कभी गए नहीं है बोल के ये वीकेंड पे जा रहे हैं, लॉन्ग वीकेंड है बोल के। तो चेक इन का लाइन कुछ भी नहीं है, हमारे सामने गाड़ी खड़ी है और हम अभी आके खड़े, पता नहीं अंदर चली गई है नहीं, अभी मुझे लगता है कि शायद लोग जानती है कि इतना भीड़ तो नहीं होगा, इसीलिए अच्छा चलो शिप ही घूम लेंगे, क्या क्या है हमारे लिए तो नया है, फर्स्ट टाइम है और लास्ट टाइम भी है पता नहीं, मतलब फिर मन करेगा तो आ सकते हैं, लेकिन देखते हैं कैसा लगता है आइलैंड। और धूप निकल रही है, यही बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे वेदर ठीक हो रहा है। ये हफ्ते तो धूप थी, बारिश भी थी, दोनों ही चल रहा था। तो आज सुबह को वेदर थोड़ा क्लाउडी था, अभी थोड़ा सनी नजर आ रहा है। तो लेट्स गो, हमारा चेक इन हो गया है। देखो कार सभी खड़े हैं वहाँ पर, सी कार्स है लाइन पे, ऐसे नहीं है कि हम अकेले हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर टिकट्स उन्होंने दे दिया है। और अभी हम लोग लेन नंबर 1 से जाने वाले, उसने सारा डायरेक्शन हमें बता दिया, तो चलते हैं। कार्स एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे कार्स खड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम वेट कर रहे हैं, कार्स यहाँ लाइन पे लग रही है, इसके बाद जाने वाले। और यहाँ है, मुझे ये पता नहीं था, जीत बता रहे थे, इस शिप में जिनकी गाड़ी है, गाड़ी लेके ही आप इस पे एंटर कर सकते हो, चेक इन कर सकते हो। कर रहा था, उसने लिख दिया था कि विदाउट कार यू कैनॉट बुक एट लीस्ट इन दिस रूट, क्योंकि हम लोग वहाँ जिस पोर्ट पे उतरने वाले हैं वहाँ से कोई फैसिलिटी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन का, तो हम कार से ही एग्जिट कर सकते हैं, तो अलाउ ही नहीं है। तो ये लोग शायद टाइम देख के ही छोड़ेंगे, तो इसलिए कार्स, ये 3 या 4 लेन है, तो वो वहाँ पर जो काउंटर था, हाँ जितने कार से उतने ही पैसेंजर है। अब एक एक कार में 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, वो डिपेंड करता है, लेकिन कार्स ही अंदर जा रहे, कोई ऐसे बाई फुट नहीं जा सकता है अंदर। तो ठंड उतनी नहीं लग रही है, लेकिन ज़्यादा देर खड़े रहो तो ठंड है, तो वेट कर लेते हैं कब अंदर जा रहे हैं हम।
कार हमने पार्क कर दी है। ये देखिए सारे लाइन से ट्रक्स कार सब खड़े हैं।